करो, ये क्या कहना, जो जान की ना उसकी शर्ट के बटन ना ओपन कर देता और उसकी ना चेस्ट पे बाइट करता है जोर से, जिससे ना हल्की सी ब्लीडिंग भी होने लगती है और वो उससे ब्लड को लीक करता है और फिर वहीं पे ना सारे उसके चेस्ट पे मार्क्स बनाने लगते हैं। अभी नेवल तक नहीं आया था कि उसने ऐसे बटन उसके चेस्ट तक खोले थे और उसके निपल्स को बाइट कर रहा था, तो फिर नीचे से जान कह रहा था छोड़ो मुझे छोड़ो, हाथ धो मार रहा था बटन जो वो वेंशू था, तो उसने उसके हाथों को पिन कर दिया था जिससे वो रो रहा था और फिर 5 times हर एक जगह पे 5 minutes तक स्टे करने के बाद, मतलब कि 30 minutes बाद वो वीन को छोड़ जान को छोड़ता और उसके चेस्ट की बहुत बुरा हालत उसने कर दी थी। तो ये देखे स्मेट करता है और फिर कहता है वाह व्हाट अ आर्ट आई हैव डन, ऐसा बोलता है और कहते देखो खुद को देखो मैंने तुम्हें कितना खूबसूरत बना दी, ये क्या कहना वहाँ से जला जाता है पेंशू और ना जो विंग होता है वो रोने लगता है और फिर ना फिर अपनी चेस्ट के तरफ देखता तो ना अपने चेस्ट पे देखता है हल्का हल्का सा ब्लड होता, तो फिर ना वो कुछ सोचता है। फिर ना उसने एक कलर ब्लू कलर की शर्ट पहनी होती है डार्क ब्लू, जिसकी वजह से अगर वो ब्लड उस पर नहीं नजर आता तो फिर वो फौरन ब्लड ना अपने ब्लड के ऊपर ही मतलब अपनी शर्ट वापस पहन लेता है, उसके बटन बंद कर देता है और फिर ना उसको थोड़ा चेस्ट ना वो करता है दबाता है जिससे ना वो सारा ब्लड उस पर लग जाता है और फिर वो उसको पेन हो रहा था रो रो रोता है और फिर कहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, अगर काश मेरे पेरेंट्स मेरे साथ होते तो ये सब कुछ ना होता, ये क्या कि ना उसके आंखों में आंसू आते हैं और उसके बाद फिर ना वो क्लासरूम से बाहर चला जाता है। और अब देखते हैं हम नेक्स्ट डे का सीन जहाँ पे जो विंग है वो जा रहा है रूफ टॉप में, जैसे ही रूफ टॉप पे पहुँचा क्योंकि अब उसका फ्री पीरियड है और फिर वो ऐसे ऊपर आया क्योंकि उसको ना एक थोड़ी सांस लेनी थी क्योंकि सुबह से भी अभी भी सब उसका टॉर्चर ही कर रहे थे बिल कर रहे थे। तो जैसे ही वहाँ बैठा होता है तो देखते हैं कि जो ईबो है वो भी वहीं बैठा हुआ है, तो फिर ना जिसे देखे ना सॉन डर जाता है और ना ईबो को पैसू जो हो जाता है कि कोई वहाँ आया, तो फिर वो पीछे मुड़ता है और फिर ना जान की तरफ देखता है और फिर वापस अपना फेस आगे कर लेता है, फिर वो कुछ सोता है और फिर पीछे मुड़ता है और फिर एक स्मैक करता है जिसे देखे ना सॉन डर जाता है और सॉरी ईबो का मैं जा रहा हूँ ऐसे वो इस तरह कहता है और कहते हैं जैसे जाने वाला होता है तो ईबो फ़ौरन उसके पास आता है और उसको ना एक पुश करते हैं जिससे ना जो जान होता है वो नीचे गिर जाता है और उसकी बैक में फिर से पेन होने लग जाता है क्योंकि वो अभी ठीक नहीं होता, पर उसने पेन किलर्स ली होती है वो ना जान की ना उसके तरफ देखते हैं ईबो की तरफ, तो फिर ना ईबो कहते हैं क्या हुआ तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे ईबो कहाँ बुलाने की, हाँ मैं तुम्हारा कोई भाई नहीं हूँ, ये क्या कि ना वो ईबो के ऊपर ईबो ना जान के ऊपर आ जाता है और उसके फेस पे एक जोर से स्लैप करता है जिससे ना उसके लिप से ना हल्की सी ब्लीडिंग होने लगती है। तो वह कहते हैं तुम तो बहुत ही सॉफ्ट हो, कल एक बॉल मारी थी तो तुम्हारी ब्लीडिंग होने लगी, अब तुम्हें एक स्लैप किया तो तुम्हारी ब्लीडिंग होने लगी, ये कहता है और फिर कहता है व्हाटएवर, ये क्या कि ना वो जान क्योंकि नीचे गिरा हुआ था तो उसके ना स्टमक पे एक जोर से किक करता है जिससे ना जो जान होता है वो रोने लग जाता है, तो फिर ना कहते हैं आह क्राइम मेस ये बोलता है और फिर वहाँ से चला जाता है, तो फिर ना जान भी रो रहा था। तो अब हम देखते हैं उससे भी नेक्स्ट डे का सीन, तो जहाँ पे जो जान है वो एक मतलब अभी भी वो रूफ टॉप में था, मतलब अगले दिन वो आया था थोड़े टाइम के लिए एक फ्रेश एयर लेने के लिए, तो वो काइंडली वहाँ देखते तो एक थैंक गॉड की सांस ऐसा करके लेते और वो सोचे कि शुक्र है यहाँ कोई नहीं है, वो करके ना थोड़ी देर बैठते और फिर वहाँ से ना वापस जब आ रहा होता है स्टेयर्स में तो देखते कि ना वहाँ ना ईबो और ईबो के फ्रेंड्स ऊपर आ रहे, तो फिर जान साइड से होके ना वहाँ से चला जाता है, बट वो नोटिस नहीं करता कि ना वो उसके पीछे ईबो का एक और फ्रेंड आ रहा है, तो फिर ना जो जान होता है वो नीचे जा ही रहा होता है, स्टेयर्स लंबी होती है क्योंकि वो बहुत ही रूफ टॉप में होते हैं और वो स्कूल की 7th floor होता है, तो फिर वहाँ से ना उसकी जो शर्ट थी वो बड़ी थी, तो वहाँ पे ना वो उसका फ्रेंड देखता है कहते ईबो ये देखो, कहते ईबो कहते क्या, कहते ये देखो ये क्या कि ना वो ये आवाज़ें ना उसको आ रही होती है जान को, बट वो इग्नोर करता है और जैसे जाने वाला होता है तो अचानक से उसको अपने बैग के ऊपर एक पुश व्हील होता है जिससे ना वो बहुत जोर से नीचे गिरता है, तो फिर ना जैसे देखे ईबो शॉक हो जाता है लेकिन और ना आगे बढ़ने वाला होता है तो वेंशू कह पकड़ लेता उसे कहते क्या हुआ, तो मैं उसके लिए पिटी फील हो रहा है तुम्हें बुरा लग रहा है, तो फिर ना जो ईबो होता है वो अपने सेंसेस में वापस आ जाते कहते बिल्कुल नहीं, ये कहता है और फिर ना जान की तरफ देखते और जान ना
रो रहा था, उसकी ना फिर से ब्लीडिंग हो रही थी। इस टाइम ना उसके स्टमक पे भी लगी होती है, और स्टमक पे और आर्म पे लगी होती है, लेग के नीस पे मतलब लगी होती है उसको काफ़ी ज़्यादा। और वो रो रहा था, तो कहते हैं प्लीज़ मुझे दर्द हो रहा है इस तरह बोलता है। और फिर ना पीछे मुड़ के देखते हैं तो ना ईपो वहाँ खड़ा होता है, तो फिर कहते हैं ईपो का प्लीज़ मुझे डॉक्टर के पास ले, मुझे दर्द हो रहा है ये कहते हैं। और फिर ना वही पेन कॉन्शियस हो जाता है, तो फिर जो ईपो होता है वो उसकी तरफ देख रहा होता है। और फिर कहते हैं ना मुझे उसके पास डॉक्टर, मुझे उसको डॉक्टर के पास लेके जाना होगा। तो फिर वेंशु कहते हैं नहीं, तब फिर अपना बदला भूल रहे हो ये उसको ना फिर इस भड़का देते हैं। तो फिर ईपो को फिर गुस्सा जाता है और वो वहाँ से चला जाता है जो वंशो होता है उसमें करता है। और फिर जाता है विंग को उठा लेता है और फिर ना उसको इस तरह उठाता है, लेकिन जो विंग था वो इस टाइम अपनी फुली अनकॉन्शियस नहीं होता, उसको सेंसेस थी, मतलब 30% उसकी सेंसेस थी। तो उसको फील हो गया था कि ये ईबो का टच नहीं है, जिससे ना उसको और डर होता है और उसको पता चल जाता है वेंचू है, क्योंकि वेंचू की बातें वो सुन रहा था। और ना वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता भी है, बट वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था और इस टाइम उसको काफ़ी इंजरीज भी हो गई थी। तो वो जो वेंचू था वो उसको ना कार में ले जाता है, जिससे देखे ना विंटर जान टच जाता है और कहते तुम क्या करो, मुझे निकालो, मुझे छोड़ो, इस तरह करके ना जो वेंचू से बचने की कोशिश करता है। तो वेंचू जो होता है कार का डोर लॉक करता है और अंदर ही आ जाता है, जिससे ना देखे जान टच जाता है, तुम छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, ये कह के ना वो रोने लगता है और फिर ना उससे दूर रोने लगता है। तो फिर वेंचू कहता है ओ कम ऑन ठीक है तुम्हें छोड़ दूंगा, बस एक चीज़ करो। तो फिर ना जो जान होता है उसकी तरफ देखता है और फिर कहता है मुझे किस करो। तो फिर वन जो जान होता है कहते हैं मैं कभी नहीं करूँगा। तो फिर ना वो कहते हैं तुम कर रहे हो कि या फिर मैं यहीं पे तुम्हें आज पूरी तरह ही डिस्ट्रॉय कर दूँ, तुम्हारी वर्जिनिटी ले लूँ। हाँ तो फिर ये बोलते हैं और फिर ना जैसे देख सुन के ना जान डर जाता है और वो पीछे होने लगते, कहते हैं सिंपल है तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं, एक तो जो मैं तुम्हें बता दी और दूसरी मुझे किस करो, वरना तो मैंने बता दी मैं क्या करूँगा। तो फिर जिसे जान टच जाते और वो अपनी आइज क्लोज कर लेते। तो फिर जो वेंचू होता है वो एक्सप्रेक करता है और फिर ना वो आते हैं जान की नेक पे एक जोर से बाइट करता है, वहाँ से फिर किस करता है सब करता है। और फिर उसके जाते हैं लिप्स पे उसको बाइट कर लेते वहीं पे और फिर उसके किस करने लगता है। और जो वो इंसान होता है वो उसके आई से टीयर्स निकल रहे थे, लेकिन वो किस पैक नहीं कर रहा था। तो फिर ना वेंशू कहता है मुझे किस पैक करो, लेकिन ना जो जान होता है वो अभी भी नहीं करता। और फिर ना वेंशू गुस्से में आके उसकी लिप्स पे एक जोर से बाइट कर देता है, और जिस दिन जो जान है वो अपने लिप्स को ओपन कर देते हैं और जो वेंशू है उसको ना उसके अपनी टंग उसके माउथ में ले जाता है, उसको ना उसके जो टांग होती है उसको बाइट कर रहा होता है, उसके लिप्स को बाइट कर रहा होता है, उसके फुल माउथ को एक्सप्लोर कर रहा होता है। और फिर 5 मिनट्स बाद जब उसको लगता है कि जो जान है वो ब्रेथ नहीं ले पा रहा, तो वो उसको छोड़ता है और फिर कहता है वेरी गुड चलो अच्छा आओ मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊँ। ये कहकर ना वो वहीं पर ना ड्राइविंग सीट पर जाता है और फिर ना उसको डॉक्टर के पास ले जाता है। और डॉक्टर उसका चेकअप करते कहते हैं इन्हें ज़्यादा इंजरीज नहीं है, बट ये 1 वीक तक इनको थोड़ी स्पोर्ट की वगैरह जरूरत है। वल ये पेन किलर से जिनकी जैसे इनका पेन कम होगा और ये इनको चलने में मदद मिलेगी। और वैसे अच्छी बात है कि ये ज़्यादा ऊंचाई से नहीं गिरे और इनको ज़्यादा इंजरीज नहीं हुई, बट काफ़ी ज़्यादा पेन होगा इनकी बॉडी में जहाँ जहाँ इनको लगी है हर्ट हुआ है। तो फिर ना वो कहता ओके, और फिर ना वो विंग जान को कहते हैं ना तो पैसा बचा के ना, तो जान कुछ कहता नहीं और फिर ना उसको वो पेन किलर्स खिला देता और फिर ना ले आता और उसको ना कहते हैं कि ना तुमने कहा जाना, तो वो कहते हैं मुझे बस स्टॉप पे छोड़ दो मैं चल जाऊँगा। तो फिर वेंचू कहते हैं मुझे बता दो मैं तुम्हें छोड़ाऊँगा, तुम्हारे के घर में आके तुम्हारा रेप नहीं कर जाऊँगा। जिसे सुन के ना जो जान होता है वो फुल शॉक हो जाता है और ना उसकी तरफ देखने लगते हैं, कहते हैं ओ कम ऑन बता भी दो। तो फिर वो ना जो जान होता है वो चुप करके बैठा होता है। तो फिर ना वेंचू गुस्से में आके ना जान का ना जॉक को बहुत टाइटली पकड़ लेते हैं, कहते हैं तुमने मुझे समझ के रखा मैं तुम्हारा कोई सर्वेंट हूँ, हाँ तुम कुछ भी नहीं मेरे सामने, समझ आई तुम्हें। और फिर कह के ना वो जोर से उसको ना पुश कर देता है, जिससे ना जो जान होता है वो पीछे डोर में लगता है और वो ना उसके आइस में फिट आ रहा जाते हैं, क्योंकि उसको अभी भी अपनी बॉडी में फुल पेन हो रहा था। तो फिर ना उसको गुस्सा था और फिर ना वो अपनी एक गहरी सांस लेता और फिर उसको एक बस स्टॉप पर छोड़ के वहाँ से चला जाता है, क्योंकि जाने पेन किलर्स और ली खाई नहीं थी और डॉक्टर ने भी उसको कुछ इंजेक्शन लगाए थे जिससे उसको पावर मिले, जिस एनर्जी मिले, जिसकी वजह से वो खड़ा हो सक रहा था। तो फिर वो घर आ जाता है
फिर जब घर आता है तो नाइट का टाइम होता है, तो फिर जो ईवो होता है वो काउच में बैठा होता है, और उसकी फैमिली जो उसके मदर फादर थे वो एक्चुअली गए थे बिजनेस ट्रिप से बाहर, और जो इस वक्त मैंने जैसे आपको कॉन का बताया था आईकॉन का कि वो गया था अपने यूनाइटेड स्टेट्स, तो इस वजह से वो भी यहाँ नहीं था। और जैसे ही जान कर आते तो मैं कहता ओह तो तुम अब आ रहे हो, किसके साथ से ज़रा बताना कितना इंजॉय किया तुमने। हाँ ये कह के ना वो नजान का हाथ पकड़ लेता है और देखता है कि ना वो काफ़ी ज़्यादा बर्न भी हुआ हुआ है, और उसका हाथ बर्न हुआ हुआ है और उस पर काफ़ी ज़्यादा ब्रुजेज हैं और ना बैंडेज लगे, तो फिर कहते हैं क्या हुआ, तो फिर नजान ने अपना हाथ छुड़वाता है, कहते मुझे दर्द हो रहा है छोड़ो मेरा हाथ, तो फिर नजान जो ईप होता है वो अपना हाथ छोड़ देता है, फिर कहते हैं ये सब क्या हुआ।